छत्तीसगढ़ में अब गरीब परिवारों को ही नहीं बल्कि सभी परिवारों को राशन दुकानों से चावल मिलेगा। भूपेश सरकार ने फूड फॉर स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब सामान्य परिवारों को भी 10 रुपए प्रति किलो की दर से हर महीने 35 किलो चावल मिलेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राशन दुकानों से अब राशन न सिर्फ गरीबों को मिलेगा बल्कि सामान्य परिवार भी वहां से राशन ले सकता है। सरकार ने बीपीएल परिवारों के साथ एपीएल परिवारों को भी राशन प्रदान करने के लिए निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने स्कीम फॉर फूड की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के 65 लाख परिवारों को 35 किलो या उससे अधिक चावल मिलेगा। इसमें 58 लाख गरीब परिवार और 7 लाख सामान्य परिवार के सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा। स्कीम के मुताबिक जिस परिवार में 1 से 5 सदस्य होंगे उन्हें हर महीने 35 किलो राशन मिलेगा। अगर किसी परिवार में इससे ज्यादा सदस्य हैं, तो हर एक शख्स के बदले 7 किलो अतिरिक्त अनाज मिलेगा। वहीं 2 सदस्य हैं तो उन्हें 20 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। इसमें 58 लाख परिवारों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अनाज मिलेगा। वहीं 7 लाख नए परिवारों को 10 रुपए किलो में चावल मिलेगा। राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को राशन कार्ड के दायरे में लाना है। 58 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड पहले से है। 7 लाख नए परिवार जुड़ेंगे। जो प्राइस रहेगी वो 1 रुपए किलो के हिसाब से 58 लाख परिवारों का, और बाकी के जो इनकम टैक्स पे ही हैं उनका जो चावल है वो 10 रुपए किलो के हिसाब से उनको दिया जाएगा। एक व्यक्ति का परिवार 10 किलो चावल, 2 व्यक्ति का परिवार 20 किलो चावल, 3 व्यक्ति और उससे ऊपर का परिवार उसको 35 किलो चावल, और 5 से अधिक यदि हो जाते हैं तो पर हेड हर व्यक्ति के पीछे 7-7 किलो वो बढ़ता जाएगा। और नए राशन कार्ड बनेंगे सभी 65 लाख परिवारों के, लेकिन जिन लोगों को अभी राशन मिलता है जिन राशन कार्डों में, तो नया राशन कार्ड बनाने के नाम से उनका राशन रोका नहीं जाएगा। जैसे जैसे नया बनते जाएगा तो जब तक नया बने तक पुराने से मिलता रहेगा, और जिस दिन नया बन जाएगा तो पुराने से वितरण समाप्त होगा। वहीं सरकार के इस फैसले से जनता बेहद खुश है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि बढ़ती महंगाई में एक राहत सरकार की ओर से भी मिली है। बहुत अच्छा किया है। पहली सरकार जो दे रही थी वो बीपीएल वालों को दे रही थी, जनरल कोटा वालों को नहीं दे रही थी। अभी जो सरकार ने नियम निकाला है सबके लिए बहुत अच्छा है। ये सरकार जो है घोषणाबाजी करने वाली नहीं है, घोषणा पे अमल करती है। बिजली बिल को भी आधा किया गया, उनकी घोषणा थी, और सबको 35 किलो राशन देने का जो घोषणा था उस पर अभी अमल हो रहा है, और वो उस अमल के लिए हम अभी उनका शुक्रगुजार करते हैं। बाजार में चावल की कीमत 30 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो तक है। इसमें सस्ते दरों पर राशन दुकान से चावल मिलना एपीएल परिवारों के लिए सरकार की ओर से दी गई एक बड़ी राहत है। वैभव शिव पांडे, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।